दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव बस होने ही वाले हैं, लेकिन जो आज एक बड़ा सवाल है मेरे सामने, जो फरीदाबाद की लगभग 25 लाख जनता हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से बस एक ही सवाल पूछ रही है, और आने वाले विधानसभा चुनावों में फरीदाबाद की 25 लाख जनता सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों से सबसे बड़ा सवाल करेगी कि जो 25 जून 2015 को फरीदाबाद को भी स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था हिंदुस्तान के 100 जो स्मार्ट सिटीज की घोषणा हुई थी, फरीदाबाद वाले उस दिन फूले नहीं समाए थे, और माना जा रहा था और सरकार ने जैसे कि उम्मीदें जगाई थी कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का मतलब आधुनिक शहर, सभी सुविधाओं से लैस शहर, और सरकारी भाषा में जाऊं तो मुझे एक घंटे से भी ज्यादा लगेगा बताने के लिए, लेकिन जो फरीदाबाद की जो जनता है उसका मुख्य जो एजेंडा इस बार चुनावों में रहने वाला है वो स्मार्ट सिटी सबसे बड़ा एजेंडा है, और शहर की जनता तैयारी कर रही है, सत्ताधारी दल के उम्मीदवार जो मैदान में उतरेंगे, कि जो 5 साल के अंदर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनना था वो आज तक स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाया, कौन है उसके लिए जिम्मेदार। स्मार्ट सिटी के जो मुख्य बिंदु हैं, मैं आम भाषा में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक ऐसा आधुनिक शहर, हर सुविधा से लैस, आधुनिक सुविधा से लैस, जो पॉल्यूशन फ्री हो, जहां पॉल्यूशन बिल्कुल ना हो, या जो क्राइटेरिया है उसके अंदर रहे। लेकिन दोस्तों, क्या फरीदाबाद स्मार्ट सिटी घोषित होने के बावजूद भी पिछले लगभग 9 सालों में क्या पॉल्यूशन फ्री हो पाया? आप जानते हैं कि फरीदाबाद वर्ल्ड के 10 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में से एक है, जहां पॉल्यूशन सबसे ज्यादा रहता है। कभी कभी, यानी 10 वर्ल्ड के 10 शहरों में से एक है जो सबसे, जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन रहता है। कभी ये एक नंबर पर भी पहुंच जाता है, कभी दूसरे तीसरे, यानी 10 नंबरों में से ये एक है। पहली विफलता ये कि सरकार इसको पॉल्यूशन से मुक्त नहीं कर पाई। दूसरी बात कि जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मुख्य बातें आती हैं, जहां अत्याधुनिक परिवहन व्यवस्था हो, आने जाने आवागमन के साधन हो, जिनसे धुआं ना निकलता हो, पॉल्यूशन ना फैलता हो, और ऐसी सड़कें और पार्किंग की ऐसी व्यवस्था जहां जाम ना लगता हो। क्या फरीदाबाद में ऐसी सड़कों का, चमचमाती सड़कों का जाल बिछ गया है? क्या फरीदाबाद में गड्ढे वाली सड़कें नहीं हैं? क्या फरीदाबाद की हर एक सड़क
आधुनिक तरीके से बनाई गई है? क्या फरीदाबाद की सड़कों में गड्ढे नहीं हैं? हकीकत तो ये है कि 10% सड़कें भी स्मार्ट सिटी के नजरिए से खरी नहीं उतरती। पार्किंग की ऐसी व्यवस्था है, यानी कुव्यवस्था है, हर जगह आपको सड़कों पर दोनों तरफ या तो कारें खड़ी मिलेंगी, या ट्रैक्टर खड़े मिलेंगे, या ट्रक खड़े मिलेंगे, उनके पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। सेक्टर 12 जो जिला मुख्यालय है, वहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ जाके देखी, सड़क के दोनों ओर सड़कें कारों से पटी पड़ी रहती हैं। शहर में NIT में चले जाइए, जो सबसे पुराना शहर हो गया है अब, वैसे तो वो आज़ादी के बाद बसा था, जो पाकिस्तान से हमारे शरणार्थी पंजाबी भाई आए थे उनके लिए, लेकिन 47 के बाद वो भी अब पुराना हो चुका है। NIT की लगभग नरक तुल्य स्थिति है। सड़कों पर वाहन खड़े रहते हैं, जाम लगा रहता है, पार्किंग नहीं है। तो यहां पर भी यही स्थिति लगभग हर जगह है। वो अत्याधुनिक परिवहन व्यवस्था नहीं है, जाम लगता है, सड़कों पर गड्ढे हैं, पार्किंग को जगह मिलती नहीं है। गंदगी और कुप्रबंध, यानी इस पूरे शहर में गंदगी से सड़कें पटी पड़ी रहती हैं, सड़कों की साइडों में पटी, कचरा प्रबंधन की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। हम कुछ तस्वीरें डालेंगे, शहर की कुछ क्लिप्स डालेंगे, आप देखिए, जिससे आपको शहर की दुर्गति और स्लम बस्ती जैसा होने का आभास मिलेगा। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था जो स्मार्ट सिटी की मुख्य जो बातें होती हैं उनमें से एक है। आप नगर निगम के जो नल हैं उनके नमूने ले लीजिए, आधे से ज्यादा फेल पाएंगे, पीने लायक पानी नहीं, स्वच्छ पेयजल भी नहीं है, गंदगी और कूड़ा प्रबंधन का कोई वो नहीं है, सीवेज की बहुत बुरी व्यवस्था है। 70-75 साल पहले जो शहर में सीवरेज के लिए पाइप डाले गए थे वो बहुत छोटे थे, तब फरीदाबाद की आज से 1/5 भी आबादी नहीं थी, लेकिन आज भी लगभग सीवेज के पानी के लिए बड़े पाइप नहीं डाले गए। छोटी बस्तियां कॉलोनियों को तो छोड़िए, पास सेक्टर तक सीवरेज के गंदे पानी से सड़कों पर जो फैला रहता है, गंदगी बहुत बदाती रहती है, उनमें कीड़े दिखाई देते हैं, उन्हीं भरी हुई सड़कों से वाहन गुजरते हैं और वो गंदगी घरों तक पहुंचती है। ये सीवेज की व्यवस्था है। बरसाती पानी का निकासी का कोई प्रबंधन नहीं है। बरसात होती है, उस पानी को जमीन दोज करने के लिए, जिससे जमीन के अंदर जो पानी है वो ज्यादा उसमें हो और
उसकी ऊंचाई फिर ऊपर आ जाए जो पहले 50, 100, 150 फुट पर मिलती थी, जो 500 फुट के आसपास मिलती है, यदि बरसाती पानी के ज़मीन के अंदर पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था है, चाहे वो और घर में हो, घर की छत से उतरने वाले पानी को सड़क के साइड में गड्ढे करके या घरों में गड्ढे करके ज़मीन के अंदर पहुंचाने की व्यवस्था हो, शहर उसमें भी फेल है और वो सारा पानी नदी नालों में पहुंचकर बेकार चला जाता है। और फरीदाबाद में इसीलिए पेयजल की भारी किल्लत है और ट्यूबवेलों में भी पानी इसीलिए नहीं आता है। यानी इस मोर्चे पर भी स्मार्ट सिटी का जो अमला है, शासन प्रशासन है, यहाँ पर भी वो फेल है। एक और जो मूलभूत आवश्यकता होती है किसी भी शहर की, किसी भी गांव की या किसी भी इंडस्ट्रियल टाउन की, फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। यहां पर यदि बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्रियों का चक्का जाम हो जाएगा, वो पूरा उत्पादन नहीं कर पाएंगे। यदि बिजली व्यवस्था 24 घंटे नहीं होगी, चाहे वो कार्यालय हैं, चाहे स्कूल है, चाहे शासन प्रशासन के कार्यालय हैं, कोई भी है, बिजली के बिना सब कुछ सूना है। बिजली हमारी जीवन रेखा बन चुकी है। यदि बिजली ना हो तो नेटवर्क भी ख़त्म हो जाता है, वाईफाई भी ख़त्म हो जाता है। यानी बिजली के बिना कोई शहर या गांव कोई चल नहीं सकता। फरीदाबाद में ये हालत है कि 24 घंटे में 24 बार बिजली जाती है, हर आधे घंटे में चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है, रात में भी और दिन में भी बिजली की यही व्यवस्था है। और हरियाणा सरकार दावा करती है कि हम तो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो दोस्तों, ना तो उद्योगों को पूरी बिजली मिल रही है, ना आवासीय क्षेत्रों को पूरी बिजली मिल रही है, ना स्कूल कॉलेज और व्यापार जगत को पूरी बिजली मिल रही है। यहाँ पर भी सरकार फेल है। यानी एक आधुनिक शहर के लिए या एक स्मार्ट सिटी के लिए जो जो सुविधाएं होनी चाहिए या हो जानी चाहिए थी स्मार्ट सिटी होने के नाते, पिछले 9 साल में हरियाणा सरकार फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने में नाकामयाब रही है। यदि 5-10% कुछ काम स्मार्ट सिटी के नाम पर हुआ है और 90-95% छूट गया है, और स्मार्ट सिटी के जो सारे काम गिनाए गए थे उनकी घोषणा अब तक नहीं की गई है सरकार की तरफ से कि हमने पूरे कर दिए गए हैं, तो दोस्तों, फरीदाबाद की जनता भरी हुई बैठी है। फरीदाबाद के जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो वर्तमान विधायक या मंत्री हैं फरीदाबाद से, उनसे तो शिकायतें कर करके फरीदाबाद की जनता थक गई है। लेकिन दोस्तों, आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा के उम्मीदवारों को फरीदाबाद की लाखों की जनता को इस सवाल का जवाब देना होगा कि आखिर 9 सालों में भी स्मार्ट सिटी वाली आधुनिक सुविधाएं फरीदाबाद की जनता को क्यों नहीं मिल पाई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अधिकारियों पर भी उंगली उठ रही है, शासन प्रशासन पर पूरी उंगली उठ रही है, सरकार पर भी उंगली उठ रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फरीदाबाद की जनता इस मुद्दे पर इस बार वोट करेगी कि फरीदाबाद की दुर्दशा के लिए जो हमने गिनाई है और भी बहुत है,
मैं और ज़्यादा गिनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फरीदाबाद की इस दुर्दशा के लिए दोषी कौन है? स्थानीय विधायक हैं सत्ताधारी दल के, या मंत्री हैं, या पूरी की पूरी हरियाणा सरकार है? फरीदाबाद पूछता है ये सवाल। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा मुद्दा कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी 9 सालों में क्यों नहीं बन पाया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।